सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मस्तक सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू, शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे तो अपना काम किए जा। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करे कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। आज का पंचांग 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 8:25 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:46 से 5:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। आप सभी को कांवर यात्रा की शुभकामनाएं और सावन की शुभकामनाएं। इस साल सावन 4 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार यह पवित्र महीना कुल 59 दिनों का होगा। इतना लंबा सावन 19 साल बाद पड़ रहा है। आप सभी को कांवर यात्रा की शुभकामनाएं और मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय होता है और इस बार सावन का महीना बेहतर खास रहने वाला है। 2023 यानी इस साल सावन में कुल 8 पवित्र सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिसका पहला सोमवार 10 जुलाई से शुरू होगा और अंतिम सोमवार 31 अगस्त को रहेगा। कन्या राशि 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, काम की व्यस्तता से ब्रेक लेने के लिए तैयार हैं। आप काम की व्यस्तता से ब्रेक लेने के लिए तैयार हैं। परिवार के लिए समय निकालें, इससे आपके अकेलापन और वियोग की भावना कम होगी। नेचर में समय बिताना आपको आजादी और आध्यात्मिक कनेक्शन की भावना प्रदान कर सकता है। आराम करें और अपने सपनों के बारे में सोचें। आज के दिन का पूरा आनंद लें। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसकी योजना पहले से बना लें, क्योंकि आखिरी समय में परेशानी हो सकती है। रोचक लोगों से मिलना आज आपकी किस्मत में लिखा है। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता या असफलता के बीज बो सकते हैं। आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बांटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करती हैं। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन अपना आपा ना खोएं, इससे सिर्फ आग और भड़केगी। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई आपसे नहीं झगड़ सकता है। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें। ख्याली परेशानियों को छोड़ें और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ आज समय गुजारेंगी, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। दोस्तों से गपशप करना एक अच्छा टाइम पास हो सकता है, परंतु लगातार फोन पर बात करने से सिर दर्द भी संभव है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन किसी भी काम को ठीक मानकर ना छोड़ें। थोड़ी सी मेहनत आपको बेहतरीन सफलता देने वाली है। आज कुछ नई बातों को सीखने में भी रुचि रहेगी, खर्चों की अधिकता रहेगी, साथ ही आय के साधन बढ़ने से परेशानी नहीं होगी। तय किए गए लक्ष्य की वजह से दिक्कतों का सामना ठीक से कर पाएंगे
आपको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, जिससे लोगों को करीब से जानना और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहना आपके लिए संभव होगा। परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, करियर संबंधित चिंता हो रही है, तो आज इस बारे में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बातें करें। रिलेशनशिप में सही तरीके से सोच विचार करते हुए आगे बढ़ें, पेड़ संबंधित दिक्कतें भी दूर होगी। वर्तमान स्थिति को समझें और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें। परिवार में चल रही कलह दूर करने के लिए जरूरी नियम बनाएं। योजना बनाने के साथ साथ उसे शुरू करने पर भी ध्यान दें। दोपहर बाद स्थिति अनुकूल हो सकती है, खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज न करें, वरना पछताना पड़ सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेगी। सावधानियां, मामा पक्ष के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, संबंधों को बनाए रखने में आपका प्रयास जरूरी है। पर्सनल लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें। मन में कुछ नकारात्मक विचार रहेंगे, नकारात्मक बातों पर काबू पाने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित जीवन सुखमय रहेगा तथा घर में शांति और उचित व्यवस्था बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के मामलों में कुछ तनाव उठ सकता है। आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है, जहां आप रोमांस और यौन सुख से संतुष्ट हैं। इसी सुख को जीवन भर के लिए बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी सभी ड्रीम सच हो जाएं। जेल या अस्पताल के चक्करों से सावधान रहें। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो आपकी जीवन को नई दिशा देंगे। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले पूरी योजना बना लें और अपने साथी को इसमें शामिल कर लें। यह यात्रा आप दोनों को अच्छे पल देगी, जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। अपने साथी पर विश्वास करें, यह आप दोनों के लिए लाभदायक है। बात करते हैं करियर की। यह समय है अपने व्यक्तित्व और सोच में परिवर्तन लाने का। आज आप दूसरों के लाभ और दान के बारे में सोच सकती हैं। यह समय अतिरिक्त व्यय या दीर्घकालीन निवेश के लिए भी अच्छा है। व्यापार में हुई धोखाधड़ी या नुकसान आपके इरादों को विचलित नहीं कर सकती। आज आप स्पेशल की तरह महसूस करेंगे और लोग भी आपके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले योजना बना लें। आप कुछ रोचक लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज का मुद्दा पार्टी और उत्सव है। अच्छे परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। आज आप काफी मेहनत के साथ भाग दौड़ करेंगे, परंतु उतना संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा। दिल छोटा ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती। आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी, जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कि आप योजना और संधि बनाकर आगे बढ़ सकती हैं। नया क्रय कार्ड ना बनवाएं। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं, और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शांत से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ भी आएगा, जहां आपका साथी आपको समझेगा। बिजनेस में फायदे के नए सोर्स मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोग अपनी काबिलियत को पहचानकर किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की कोशिश करें। अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत करें। नौकरी में बदलाव संबंधित योजना है तो अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज आप ऊर्जा से भरे और बिल्कुल तनाव रहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने आसपास सबसे अलग दिखेंगे और लोग आपका सकारात्मकता और जोश से भरा हुआ व्यवहार खूब नोट करेंगे। सक्रिय दिमाग के साथ साथ आज आपका शरीर भी खूब स्वस्थ और खेलों से जुड़े और एथलीटों के लिए आज के दिन खास रहेगा, क्योंकि सफलता की संभावना काफी अधिक है। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।